हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कक्षा 6 की गणित की वर्कशीट 8 और तिथि है 20 अक्टूबर 2020। तो आज की हमारी वर्कशीट में हम कर रहे हैं सन्निकटन। हमने लास्ट क्लास में भी सन्निकटन किया था, आज हम देखेंगे सन्निकटन की योग कैसे किया जाता है। तो श्रीमती देवसेना 2000 रुपये में अपने बच्चों के लिए कुछ उपहार खरीदने के लिए बाजार जाती हैं। दो उपहार जो उन्हें पसंद आए उनकी कीमत 1175 रुपये और 449 है। क्या आप समझते हैं कि श्रीमती देवसेना के पास इन दो उपहारों को खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है? अब हम यहाँ पे एक्चुअल कैलकुलेशन करने की जगह अनुमान लगाएंगे, यानी उसका सन्निकटन करेंगे कि उनके पास क्या अप्रॉक्सीमेटली इतना पैसा है कि वो ये जो गिफ्ट्स हैं अपने बच्चों के लिए वो खरीद सकें। तो अब अमरेंद्र और कटप्पा, इन्होंने दो तरीकों से कुल लागत का अनुमान लगाने की कोशिश की। अमरेंद्र ने क्या किया, अमरेंद्र ने निकटतम किया, निकटन जो किया वो सैकड़े में किया, यानी जो 1175 था 1175 को सैकड़े में निकटन करने पे 1200 बना दिया और 449 का निकटन करके उसे 400 बना दिया, यानी 1600 रुपये। तो यानी वो लेके गई हैं 2000 रुपये, यानी 1600 रुपये खर्च हो जाएंगे तो वो गिफ्ट ये खरीद सकती हैं। और कटप्पा ने जो किया, उन्होंने किया 1000 में आकलन, तो 1175 का आकलन किया तो 1000 हो गया और 449 का जब निकटन किया 1000 में तो यहाँ क्या हो गया हमारे पास, 0। तो उत्तर आया 1000 रुपये। तो अब यहाँ पर हमारा दोनों ने ही निकटन किया, लेकिन हमें यहाँ पर क्या देखना होता है कि कहाँ पर निकटन सटीक है, उचित है, कि जो हमने अनुमान लगाया है वो लॉजिकल है भी या नहीं है, तार्किक है या नहीं है। तो हमें क्या करना होता है, हमें अनुमान उचित लगाना चाहिए, तार्किक होना चाहिए। इसका कोई कठोर नियम नहीं है कि हमें निकटन कैसे करना है, लेकिन सटीकता कि विश्वसनीय होना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, और आकलन की हमें कितनी जल्दी ज़रूरत है तो वो भी हमें देखना होता है। तो अब इस आधार पर, अब यहाँ पर एक जगह 1600 हमारा आ रहा है उत्तर, एक जगह 1000 उत्तर आ रहा है, तो हम यहाँ पर देखकर समझ सकते हैं कि 1600 जो है वो अनुमान हमारा ज़्यादा तार्किक, ज़्यादा उचित है एज़ कम्पेयर टू 1000। तो अमरिंदर द्वारा किया गया आकलन अधिक सटीक अनुमान है, क्योंकि यह अधिक उचित और अधिक तार्किक है। अब योग का अनुमान लगाना, तो योग का हम अनुमान कैसे लगाते हैं, जैसे अनुमान लगाइए 18891 जमा 4201, तो हम इसका निकटन कर रहे हैं 1000 में, तो इसका निकटन किया 1000 में, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा और ये 1000, 8 के आगे कौन है 8, यानी 8 बन गया 19, हमारे पास आ गया 19000। 4201 4 के आगे है 2, यानी कोई चेंज नहीं आएगा, तो 4000 एज इट इज़ आ गया, अनुमानित योग हो गया, इनको जोड़ा 23000। उसी प्रकार 429 सैकड़े में आकलन किया तो हमारे पास आ गया 400, 8691 का भी हमने सैकड़े में ही आकलन किया तो हमें मिला 8700, यानी जोड़ के अनुमानित योग आ गया 9100। अब इसी प्रकार हम अंतर का अनुमान भी लगा सकते हैं, जैसे 9876 में से 6789 घटाना है, तो 1000 में निकटन करें इसका, 1000 में निकटन करते ये बन गया 10000 और 6789 का जब निकटन किया तो वो बन गया 7000, तो बन गए माइनस करने पे हमारे पास क्या आ गया 3000। 90476 10241, तो हमने इसका सैकड़े में आकलन अगर हम करते हैं तो हमें मिला 90500 और 10241 का आकलन किया तो 10200, तो उत्तर आ गया 80300। तो ये हमारे तरीके हैं निकटन द्वारा योग का अनुमान लगाना या अंतर का अनुमान लगाना। अब हम प्रश्न हल करते हैं और हम देखेंगे कि हमें कहाँ सैकड़े में आकलन करना है और कहाँ 1000 में। अब ये है 841, तो 841 का निकटन करें अगर हम, तो हम इसका निकटन करके क्या बना सकते हैं, सैकड़े में निकटन कर देते हैं तो हमारे हमको मिल गया 800, और 181 का निकटन करके क्या मिलेगा, यहाँ मिल गया 200, तो अनुमानित योग है तो जोड़ के हमें क्या मिल गया, 0 0 और ये 10, यानी 1000। अब दूसरा प्रश्न 2400, तो इसका हम 1000 में निकटन करें तो 2400 तो बन गया 2000,
6891, 6 के आगे कौन है 8, यानी ये बन गया हमारा 7000 और इनका योग आ गया 9000। उसी प्रकार 9875, तो 9 के आगे कौन है 8, तो 9 तो बन गया 10, यानी 10000 और 5 के आगे कौन है 4, यानी 5 एज इट इज़ रहा तो ये बन गया 5000। इन्हें जोड़ा तो उत्तर क्या आ गया हमारे पास 15000। तो ये हो गया हमारा अनुमानित योग। अब अनुमानित अंतर 8, अब हज़ार में निकटन करें तो 8 के आगे कौन है 2, यानी 8000 और 5000 तो पहले से ही राउंड ऑफ है, माइनस करके हमें क्या मिल गया 3000। तो उत्तर क्या आ गया हमारा अनुमानित 3000। 9999, तो 10000 बन गया ये, क्योंकि ये 10000 के पास है। 5421, 5 के आगे कौन है 4, यानी ये 5000 ही रहेगा, 5 एज इट इज़ रहेगा, तो यहाँ उत्तर आ गया 5000। अब 2541 और ये 524, तो यहाँ हम करेंगे सैकड़े में निकटन, क्योंकि इस संख्या के पास हज़ार है ही नहीं। तो अब यहाँ ये सैकड़ा, इसके आगे है 4, यानी कोई अंतर नहीं, तो ये बन गया 2500 और 524, 5 के आगे कौन है 2, यानी यहाँ भी 5 में कोई अंतर नहीं, तो ये बन जाएगा 500। माइनस करके क्या मिल गया हमें 2000। तो ये आ गए हमारे उत्तर अनुमानित योग के और अनुमानित अंतर के। तो इसी प्रकार के और प्रश्नों का अभ्यास कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एन्जॉय मैथ्स।